कोविड-19 की महामारी के चलते पुलिस प्रशासन लगातार उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में जोधपुर के रातानाड़ा सर्कल पर दो युवकों का चालान काटने के दौरान होमगार्ड के जवान और युवकों में तानातानी हो गई और बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि युवकों और होमगार्ड के जवानों के बीच में हाथापाई तक बात पहुंच गई। इसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लाते और घूसे यहां चल रहे हैं। हालांकि मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे, जिन्होंने युवकों को पकड़ लिया, तो वहीं होमगार्ड ने संबंध में मामला भी दर्ज कराया है। ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान मोटरसाइकिल बिना हेलमेट चलाता हुआ व्यक्ति को रोका, जिसमें ट्रैफिक के होमगार्ड के साथ में मारपीट हुई है। इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। दोनों गैर फाइलान को भी लग के 151 में बंद किया है। रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान कर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, मैं भास्कर चौराहे पे मेरी ड्यूटी तैनात थी ट्रैफिक में। मैं साथ में शंकर सिंह का एक होमगार्ड कांस्टेबल साथ में था। उन्होंने एक पैसेंजर मोटरसाइकिल आई, उसमें दो सवारी थी। एक हेलमेट हाथ में लगा रखा था, आगे वाले में हेलमेट था और वो मोबाइल में बात कर रहा था। उन्होंने इशारा देके गाड़ी को रोकने की कोशिश की, तो वो पीछे हटते रहे, गाड़ी ऊपर चढ़ती रही, पीछे हटते रहे, गाड़ी पीछे चढ़ती रही। तो हाथ उन्होंने हेलमेट के हाथ लगा लिया। हाथ लगाते ने गाड़ी कैसे रोक दी कि सर आप गाड़ी हेलमेट हाथ में लगा रहा कैसे रोकी है, मेरे साथ से बात कर लो। अच्छा, मेरे पास आए, मेरे साथ में भी उन्होंने गाड़ी के लोग स्टार्ट कर दी और बिजली बिजली पेश आए। मैंने कहा कागज में गाड़ी सीज हो जाएगी। इतने में वो तो तरह के उसके इसमें मैं कहा कि संकेत ने कहा कि आप गाड़ी साफ तो गाड़ी रोज मत करो, तो उसने उसको मुख्य ठोक दिया। मुख्य ठोकते ही उन्होंने गला पकड़ के हेलमेट से मारना स्टार्ट कर दिया और गंदे पानी में गिर दिया। गिरे के ऊपर भी हेलमेट से मारना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार से फिर मैंने कंट्रोल रूम को इतला की और रातना थाने में इतला की, साथ में मुतल किया, गाड़ी आई उनके दोनों को लेकर आए। सिरोही के आबू रोड रिको थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया गया। इस ट्रक से 380 पेटी हरियाणा निर्मित शराब को बरामद किया गया। पुलिस ने संबंध में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया और जब्त की गई शराब की कीमत जो है वो 40 लाख रुपए के आसपास आकी जा रही है। मावल चौकी के पास की पूरी घटना रही। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बुलेरो कैंपर गाड़ी में अवैध देशी शराब के 13 कार्टन्स को जब्त किया। लक्ष्मणगढ़ थाना हेड कांस्टेबल नानूराम ने इस पर बताया कि लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस इलाके के भूमा छोटा गांव में पहुंची, जहां एक बुलेरो कैंपर के पास खड़े लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो 13 कार्टून अवैध देशी शराब पाई गई, जिन्हें जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस जो है वो फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आपकी कार्रवाई की सूचना के ऊपर लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस भूमा छोटा पहुंची, जहां पर एक कैंपर गाड़ी व 3-4 व्यक्ति खड़े थे, जो पुलिस को देख करके वो तो भग गए। गाड़ी को चेक किया तो उसके अंदर दारू भरी हुई थी। गाड़ी व दारू को जब्त कर लिया, वह आरोपियों की तलाश जारी है। धौलपुर के सरमथुरा के पार्वती बांध से निकलने वाली नहर में अधेड़ का शव बरामद हुआ। मृतक सरमथुरा के खैमरी गांव का निवासी बताया जा रहा है कि मृतक के पैर रस्सी से बंधे हुए थे। पुलिस का मानना है कि अधेड़ की हत्या कर इस शव को नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही पुलिस इस मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान कोविड अस्पताल में उन्होंने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने कोविड-19 को लेकर बन रहे वॉर रूम का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने वॉर रूम को जल्द ही शुरू करने की बात कही। इस वॉर रूम के शुरू होने से कोविड मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को भी यहाँ सभी प्रकार की जानकारी मिल पाएगी। इस दौरान जिला कलेक्टर के साथ एडीएम सुनीता चौधरी, पीबीएम अस्पताल अधीक्षक सलीम सहित अधिकारी भी उपस्थित रहे।
श्री गंगानगर के अनुपगढ़ में सरपंच चुनाव के प्रत्याशी सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हां, कोविड के गाइडलाइंस पर किसी प्रकार का ध्यान यहां नहीं दिया जा रहा है। सरपंच प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ झुंड बनाकर प्रचार प्रसार करते दिख रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं पालना नहीं हो रही। इस संबंध में जब निर्वाचन अधिकारी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जांच करने की बात कहकर इस मामले को टाल दिया। हनुमानगढ़ जिले के गांव 32 SSW में 15 सितंबर को हुई हत्या के आरोपियों के नहीं पकड़े जाने को लेकर ग्रामीणों में अब रोष व्याप्त है। 15 सितंबर को एक युवक की घर लौटते समय रास्ते में हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने ब्रजलाल सुथार नामक एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने SP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया तथा मांग की कि हत्यारों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी कि अगर इस मामले में कोई कार्रवाई जल्द नहीं होती तो आगे आंदोलन किया जाएगा। पिछले दिनों मदन नामक युवक की हत्या कर दी गई, उस मामले को लेकर के आज SP से मिलने के लिए भारी संख्या में नायक समाज के लोग आए थे और जिस प्रकार से दिन ब दिन हत्याएं हो रही है और एक हफ्ते के अंदर हत्या हो गई, उसने फोन भी कर दिया और उसके सबूत भी मिल गए, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो CO ऑफिस है, पिछले एक हफ्ते इन्होंने चक्कर लगाए हैं,